नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं धुनो पुराणो अनुष्ठान जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैंने धुनो पुराणों का दो आप लोगों को दिखा दिया है। एक जो है जो पाट की लकड़ी होते उससे मैंने आप लोगों को दिखाया है, एक नारियल की जो कोमल छिलके होते उससे धुनो पुराणों किस प्रकार से किए जाते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आज जो है मैं आपको कुश के माध्यम से, जो कुश घास होते हैं ना उसके माध्यम से कि किस तरीके से आप जो है धुनो पुराणो अनुष्ठान करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। धुनो पुराणो यानी कि धूप अनुष्ठान जो है, धुनो पुराणों के ऊपर पुराने कई सारे वीडियो है, आप लोग उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उससे आप लोगों को सही तरीके से इस विषय के ऊपर जानकारी मिलेगा। दोस्तों तो धुनो पुराणो अनुष्ठान के लिए हमेशा ये दो धुनुची चाहिए, एक धुनुची में या फिर एक धूप पात्र में कभी भी नहीं होता है, दो धूप पात्र ही जो है वो चाहिए होता है। और धुनो यानी कि ये देखिए, ये जो है धुनो यानी कि ये मूल रूप से ना धुनो पुराण अनुष्ठान जब किए जाते हैं तो उसमें मूल रूप से राल, जो पीले वाले जो राल होते हैं वही लेना होता है, पीले वाले राल ही जो है वही लेना होता है। तो ये पीले वाले राल है, तो पीले वाले राल ही जो है वो मैंने लिए है। इसमें थोड़ा सा मैंने गूगल जो है वो मैंने दिया है, पर मूल रूप से धुनो पुराणों में राल ही जरूरी होता है, पीले वाले जो राल यानी कि धुना जिसे कहा जाता है। धुना को एक जन ने मुझे पूछा था कि दादा सुरधूप किसे कहते हैं, सुरधूप जो है यानी कि देवताओं को धूप जो है वो इस पीले वाले राल को ही कहा जाता है, पीले वाले जो राल होता है वही जो है सुरधूप होता है। तो अब जो है हम धुनो पुराणो अनुष्ठान करने के लिए, अच्छा तो ये वाला भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कुश के जो घास है उसे इस प्रकार से ले लीजिएगा, इस प्रकार से जो है ना कुश के घास जो है वो छोटे छोटे इस प्रकार से आपको कर लेना होगा। मैंने नारियल छिलके पाट की लकड़ी उससे भी दिखाई, ये मैं पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ कुश के माध्यम से। आप लोग नारियल छिलके में भी कुश मतलब थोड़ा सा नारियल छिलका और कुश के साथ भी आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कुश के माध्यम से दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत से जो पुराने परिवार है, बोनेदी परिवार जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग मुझे पूछते हैं ना कि दादा ये बोनेदी क्या होता है। बोनेदी का मतलब होता है जो पुराने परिवार होते हैं, पारंपरिक परिवार जो है उसे बोनेदी परिवार कहा जाता है। तो उनके घरों में अष्टमी के दिन और नवमी के दिन जो है ये धुनो पुराण अनुष्ठान किए जाते, और हर घर के अपने अपनी परंपरा के अनुसार होते हैं। कई परिवार में जो है कुश के माध्यम से किए जाते, जैसे हमारे यहाँ पर शील परिवार एक है, चोर बागान शील परिवार कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है कोलकाता के मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में ये शील परिवार है, उनके घर अष्टमी के दिन जो है 21 महिलाएं मिलके जो है ये धुनो पुराणो अनुष्ठान करते हैं और कुश के इस माध्यम से करते हैं, मतलब इस प्रकार से कुश से और जो है धुनो से जो है पीले वाले राल यानी धुनो से जो है वो ये अनुष्ठान करते। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए इसमें जो है घी के दो बाती जो है मैंने इसमें दे दिए है, घी के दो बाती जो है इस प्रकार से। कभी भी धुनो पुराणो ये जो धूप अनुष्ठान है ये कभी भी जो है ये एक बाती से नहीं किए जाते, मतलब एक बाती जो है नहीं किए जाते, एक धूप पात्र से नहीं किए जाते हैं। तो दो धूप पात्र ज़रूरी है, इसलिए दो बाती उसमें होते ही है। तो इसलिए जो है कभी भी जो है मतलब बाती मतलब ये वाले जो है इसे बाती कहा जाता है। तो कभी भी जो है एक धूप पात्र में आपको नहीं करना है, हमेशा दो धूप पात्र लेना है नियम के अनुसार जो है। दोस्तों ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है हम ये बाती जो है वो प्रज्वलन करेंगे, तो उसके लिए भी देखते जाइए ध्यान से कि किस प्रकार से मैं करता हूँ। इसे जो है कुश से प्रज्वलन करना होगा, इसे जो है दोस्तों इसे ना कुश से हम प्रज्वलन करेंगे, मतलब कुश से ही जो है हम ये बाती प्रज्वलन करेंगे। और ये वाले एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए ये वाले हम जो है ये ना थोड़ा सा एक्चुअली अगर घी में अच्छे तरीके से डुबोया हुआ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे पास एक्चुअली जितना ज़्यादा घी था मैंने वो जो है इसमें दे दिया है। ये देखिए ये जल नहीं रहा है पूरी तरीके से, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है माचिस से ही जला देता हूँ।
यहाँ पर मैं माचिस से ही जो है ना ये जला देता हूँ। माचिस से भी आप जला सकते, कोई समस्या नहीं है, पर खुद से अगर जलाते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। तो कई लोग हो सकते कि मेरी तरह ही ऐसे ही शायद वो जो है खुद से नहीं जला पाए, तो सोचेंगे कि दादा ने दिखाया था खुद से जलाकर ही, तो ये जो है हम लोग नहीं जला पा रहे। तो कई समय ये होता है, कुछ को अच्छे तरीके से घी में डुबोना होता है तब भी जो है ना वो प्रज्वलित होते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर घी में उतने अच्छे तरीके से नहीं डुबाया था। आप लोग घी में अच्छे तरीके से कुछ को जो है डुबो कर उसे प्रज्वलित करके फिर इस तरह से घुमा कर ना 3 बार घुमा कर प्रज्वलन करिएगा, वो अच्छा रहेगा, जल जाएगा, उससे जो है आसानी से जो है बाती प्रज्वलन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे घी से नहीं डुबाया था तो इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप लोग इस तरह से माचिस से ही जलाएगा। इसलिए ही माँ शायद ये चाहती थी कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शायद ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए माँ ये चाहती है कि नहीं, जो सभी लोगों के लिए है वही वाला दिखा, तो इसलिए खुद से अभी जो है वो सही तरीके से नहीं जला दोस्तों। यह एक्चुअली मेरा सोच है, मतलब मुझे ये लगा कि मैंने एक्चुअली कुछ के लिए ही तैयार था, पर माँ शायद चाहती कि नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए माँ ने जो है माचिस से जला कर ही दिखा। तो माचिस से भी आप जला सकते हैं, और कुश के माध्यम से जैसे मैंने आपको दिखाया, कुश के माध्यम से जो होता है वो इस प्रकार से 3 बार आपको घुमा कर जो है प्रज्वलन कर देना है। अब जो है इसमें हम ये वाले जो कुश आदि है वो हम जो है इसमें देंगे, इसमें जो है कुछ देंगे 21 वाले ऐसे, अगर जो है ना 21 या 28 वाले कुश जो है वो दिए जाते हैं। बड़े अगर हो तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है इसमें भी दे देंगे, ये देखिए इसमें भी दे देंगे। अब जो है हाँ ये देखिए ये जल गया। अब जो है माँ का नाम लेते हुए जो है आपको इसमें धूप देना है, या फिर ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदया। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। इस प्रकार से जो है माँ के सामने इस प्रकार से उठाकर जो है आपको मन ही मन जो है आप 10 बार जो है ये माँ के गायत्री मंत्र जो है वो जाप करिएगा दोस्तों। मन ही मन जो है आवाज़ मत करिएगा इस समय, मन ही मन जो है कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्, ये कहते हुए जो है आपको माँ के सामने इस प्रकार से 10 बार आप जाप करिएगा माँ के गायत्री मंत्र, और फिर जो है रखते हुए इसे आप रख दीजिए, और फिर जो है इसे शांत करिए, जल घुमाकर जो है इस प्रकार से आप शांत कर दीजिए, और फिर जो है माता को प्रणाम करिए, माँ को आप प्रणाम करिए। धूप अनुष्ठान यानी ये धूनो पुराण अनुष्ठान जब आप कर रहे हैं तो उस समय आप जो है ये धूनो पुराण अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद जो है आरती भी आप कर सकते हैं, आरती भी जो है आप कर सकते हैं। धूप दीप की व्यवस्था अलग से कर रखे, उससे जो है आप आरती भी कर सकते हैं। असल में ये जो है ना, ये जो जैसे कि जब आप अग्नि में जिस प्रकार से ये जो विषय होता है ये होता है धूनो पुराणो, ऐसे जो धूप डाले जाते हैं ना इससे जो ये ज्वाला उठती है ये होता है धूप आहुति यानी कि धूनो पुराणो। तो ये जितना ऊपर उठता है, ये जितना ऊपर उठता है ये धूना देने से, मतलब ऐसे जैसे ही अग्नि में आप धूना देते हैं तो ये जैसे ही इस प्रकार से ज्वाला में ऊपर उठता है तो माना जाता है कि आपकी अनुष्ठान जो है ना उतना सफल है। तो धूनो पुराणो अनुष्ठान जो है इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है। माँ के सामने जो है आपको 2 धुनुची जो है वो माँ के सामने आपको लेना है, उसके बाद ही कुश से प्रज्वलन करिए, हम माचिस से भी जो है प्रज्वलन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको माँ के गायत्री बोलते हुए
उसमें जो है आपको धूप देना है, या फिर गायत्री अगर आपको नहीं आ रहा है तो श्री श्री भगवती ओम श्री श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः, ओम श्री श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः, ओम श्री श्री भगवती दुर्गादेव्यै नमः, इस प्रकार से जो है आप धूप आहुति दीजिए। उसके बाद माँ के सामने ये दो धुनची जो है उसे इस प्रकार से अवश्य उठाकर जो है आप 10 बार जो है माँ के नाम का जाप मन ही मन करें, मन ही मन, आवाज बिल्कुल मत करें उस समय, मन ही मन करें। उसके बाद रखते हुए जो है इसे आप शीतल करें और फिर जो है माता को प्रणिपात करें, माँ को प्रणाम करें, और फिर आरती अगर आप कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो है माँ के धूनो पुराणो अनुष्ठान कुश के माध्यम से जो है आपको करना है दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से आपको कह देता हूँ, जोत जब आप जला रहे हैं तो घी में डूबे हुए कुश के माध्यम से आप प्रज्वलन कर सकते हैं जो जोत है, या फिर माचिस के माध्यम से भी प्रज्वलन कर सकते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती आदि से जलाते हैं, वो कभी नहीं करेगा, मोमबत्ती आदि से बिल्कुल मत जलाने चाहिएगा। या तो आप कुश से अग्नि प्रज्वलन करके उससे आप करिए, या फिर जो है माचिस से आप करिए, मोमबत्ती से कभी भी जो है आप जलाने मत जाइएगा, ये विषय जो है ध्यान रखिएगा। और धूनो पुराणो ये जो अनुष्ठान है ये धूप आहुति अनुष्ठान है, माँ को आप आहुति प्रदान कर रहे हैं धूप के माध्यम से, तो इस समय गायत्री मंत्र का अगर जाप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही जो है ना मंगल अनुष्ठान माना जाता है, विशेषकर अष्टमी के दिन आप अगर ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। ये अनुष्ठान जो है 12 बजे से पहले आपको करना है, 12 बजे से पहले ही आपको करना है। आप मिट्टी के धूप पात्र में भी कर सकते हैं, अब पीतल के अगर आपके पास है तो आपको वही करना चाहिए, पर 2 धूप पात्र लीजिएगा, 2 धूप पात्र में ही जो है ये विधि आपको करना है दोस्तों, 1 में नहीं, 2 धूप पात्र में ज्योति जलाकर और उसमें जो है इस प्रकार से। ये विषय ये देखिएगा, मैं फिर से आप लोग को बताता हूँ, ये जैसे ये जो ज्वाला जो है ना, ये ज्वाला जो उठेगा, ज्वाला ये जो है इसमें धूप डाल धूप आहुति देते ही जो ज्वाला है यही जो है जितना ज्वाला ऊपर उठता है माना जाता है कि आपकी पूजा जो है माने उतने ही जो है खुशी मन से जो है स्वीकार किए है। तो धूप अनुष्ठान जो है इसी मंगल भावना की, मंगल विश्वास की जो है वो प्रतीक है, और ये हमारी आत्मशुद्धि है। धूप अनुष्ठान का अर्थ होता है आत्मशुद्धि, धूनो पुराणों का असली अर्थ होता है आत्मशुद्धि दोस्तों, तो हमारे आत्मा शुद्धि भी होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ज़रूर से माँ के धूप अनुष्ठान करने की कोशिश करें अगर संभव हो तो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।